दैत्यों की महानगरी की ये दुर्दशा, इस समृद्ध पाताल लोक में ऐसी अव्यवस्था, दुर्गंध के मारे यहाँ श्वास लेना भी असंभव है। हे शिव शंकर, दैत्यों पर कृपा कर, कृपा कर। बली दुर्गम, तुम्हारा विशाल शरीर और उसमें छुपी अतुलित शक्ति का अनुमान लगाकर मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि भगवान शिव शंकर मुझ पर कृपालु हैं। जाग दुर्गम जाग, यदि आज भी तू सोया रहा तो दैत्य संस्कृति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जाग दुर्गम जाग, जाग दुर्गम जाग। शिव शंकर, मेरी मंत्र सिद्ध सेना उपस्थित हो, जाओ दुर्गम को जगाओ। जागो हे दैत्यराज, जागो, 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 जागो हम
मदिरा। सहस्त्र दैत्य की मदिरा अकेली टकर गया। पृथ्वी लोक पर जितने मनुष्य हैं, उनके 10 दिन का भोजन एक बार में खा गया, महीनों की मदिरा एक घूंट में डकार गया। सुंदर, अति सुंदर। इस मंत्र सिद्ध जल का प्रयोग किसी सोए हुए व्यक्ति पर नहीं किया जाता, किंतु मेरे पास कोई अन्य विकल्प भी नहीं है। कौन हो तुम और मेरी निद्रा में बाधा डालने का साहस कैसे किया तुमने? हे मूर्ख, मैं तुम दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य हूँ, मुझे नहीं पहचानते? शुक्राचार्य, ये नाम कुछ सुना सुना सा लगता है, किंतु इस समय मुझे निद्रा आ रही है। जाएं, कहीं और जाके अपना गुरुत्व दिखाएं। दुर्गम, इसी समय मेरे साथ पृथ्वी लोक चल, मैं तुझे तीनों लोकों का सम्राट बना दूंगा। नींद में जो जो स्वप्न तूने देखे हैं, उन्हें मैं सच करा दूंगा। चल इसी समय मेरे साथ। दुर्गम के लिए तीनों लोकों के साम्राज्य से भी बड़ी है उसकी निद्रा। मुझे सोने दो शुक्राचार्य, मुझे सोने दो। मेरी आज्ञा न मानकर तू मेरे कोप का भाजन बन जाएगा दुर्गम। ओम नमः शिवाय। से बाहर आओ दुर्गम, सामान्य रूप में हमारे सम्मुख आओ। दैत्य गुरु, क्या इच्छा है तुम्हारी? इच्छा तो बहुत है। कहो। दुर्गम, मेरे अनंत प्रयासों से अब तुम पूरी तरह जाग गए हो। तुम एक महाबली, पराक्रमी, भयानक और विकराल योद्धा हो। तुम्हें महान माता दीदी की सौगंध कि तुम दैत्य संस्कृति का पुनरुत्थान करो। माता दीदी? दुर्गम, तुम सत्य में दुर्गम हो। तुम्हारे मन तक पहुंचना कठिन है, किंतु अब तुम पूरी तरह सचेत हो। हाँ, दैत्य माता दीदी का नाम सुनकर मैं पूर्ण रूप से सचेत हूँ। हाँ दुर्गम, तुम उसी महान माता दीदी की संतान हो, दैत्यों के वंशज हो। अब सोना बहुत हुआ, अब तुम जागकर कुछ ऐसे महान कार्य करो कि तीनों लोकों पर दैत्य संस्कृति का साम्राज्य स्थापित हो। दैत्य शत्रु अपने दुष्कर्मों से समाप्त हो जाए। दैत्य शत्रु? कौन है वो दैत्य शत्रु? आप मुझे उसका नाम बताएं, मैं अभी उसको मुंह में डालकर निकल जाता हूँ। दुर्गम, इतने उत्तेजित न हो, दैत्य शत्रु को निर्बल न समझो। उन्हें निकलने का उपाय मैं तुम्हें बतलाऊंगा, तब तुम दैत्य के सम्राट बनकर तीनों लोकों पर दैत्य संस्कृति का साम्राज्य स्थापित करोगे। दैत्य गुरु, अब आपकी वार्ता पूर्ण रूप से मेरी समझ में आ रही है।
बहुत सो लिया, अब वही करूंगा जो आप कहेंगे। हाँ दुर्गा। नारायण नारायण। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य पातालवासी भयानक दैत्य दुर्गम को मनाने में सफल हो ही गए। नारायण नारायण। उन्होंने दैत्य दुर्गम को विश्व विजयी बनाने का स्वप्न दिखाकर उन्मत्त कर ही दिया। ये समाचार भगवान भोलेनाथ को देना ही होगा ना। क्या बात है सखी वीणा देवी, आज आपने नारद का संग क्यों त्याग दिया? आपकी संगत का त्याग ना करूं तो क्या करूं देव ऋषि? मैं कुछ समझा नहीं सखी वीणा देवी, आपका संग पाकर नारद सदैव गर्व की अनुभूति करता है मनमोहिनी। गर्व की अनुभूति करने वाले को दूसरे का दुख दिखाई नहीं पड़ता। दुख? किसका दुख मनमोहिनी सखी? मेरा दुख। आपका दुख? हाँ मेरा दुख। क्या देवऋषि नारद का कार्य मात्र समाचारों का आदान प्रदान करना भर है? हाँ देवर्षि नारद, क्या आपके पास अपने प्रिय सखी वीणा देवी एवं प्रिय मित्र खड़ताल के लिए एक क्षण का भी समय है? देवऋषि, क्या आप अपने महान पद की गरिमा भूलकर मात्र संदेशवाहक बनने के इच्छुक हैं? नहीं नहीं वीणा देवी, मैं तो समाचार। हाँ हाँ बोलिए, क्या देवर्षि नारद संदेशों के इधर उधर पहुँचाने के अतिरिक्त अपना एक भी कार्य बता सकते हैं? किंतु इन समाचारों में जगत का कल्याण छिपा हुआ है, क्या ये सब भगवान भोलेनाथ तक पहुँचाना अनुचित है? ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है देवऋषि। यदि आपको संदेशों के आदान प्रदान में उलझे रहना है तो हमारा त्याग क्यों नहीं कर देते संदेश वाहक नारद जी? क्या क्या कहा? संदेश वाहक नारद जी? हाँ हाँ, अब केवल आपके सखा सखी ही नहीं, सारा संसार इसी नाम से संबोधित करेगा। नहीं नहीं, ऐसी स्थिति में नारद अपने स्वभाव का अविलंब परित्याग कर देवऋषि पद की गरिमा के साथ ही जीवन जिएगा। आप दोनों का धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है मित्रों। आप दोनों ने मुझे सत्य का ज्ञान करवाकर देवऋषि पद की गरिमा की रक्षा की है। भविष्य में देवऋषि नारद समाचारों को इधर उधर करने का काम कदापि नहीं करेगा। देवऋषि नारद किसी के अनुचर थोड़े ही है। हाँ हाँ, देवऋषि पद मैंने किसी की कृपा से नहीं अपितु अपने पुरुषार्थ से पाया है। भोलेनाथ, आप यहाँ इस समय? हमें देखकर आश्चर्य हुआ नारद। तुम क्या समझते हो कि यदि तुम संदेश नहीं पहुंचाओगे तो हमें सूचना नहीं मिलेगी? नहीं नहीं भोलेनाथ, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? नारद, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैं कुछ समझा नहीं भोलेनाथ। अहंकार किसी भी प्राणी को अपने वश में ठीक इसी प्रकार जकड़ लेता है। अहंकार? हाँ नारद, जिस व्यक्ति को अहंकार जकड़ने का इच्छुक हो जाता है तो सर्वप्रथम उसके स्वार्थी मित्रों के हृदय में बैठकर उस व्यक्ति को उसकी उपयोगिता का आभास करवाता है। भोलेनाथ। हाँ ना, तदोपरांत उसके वही स्वार्थी मित्र उसकी उचित अनुचित प्रशंसा का बखान करते हैं। प्रशंसा का भाव जो जो व्यक्ति को अच्छा लगता है त्यों त्यों वो अहंकार के भ्रम में उलझता जाता है। आप मुझ पर सदैव कृपालु रहे भोलेनाथ, अहंकार के महासागर से इस दिन ही नारद की रक्षा करे भोलेनाथ। नारद, तुम हमें बहुत प्रिय हो, परंतु इतना भी नहीं जानते कि हम अहंकार का भोजन करते हैं। अहंकार को बचाने में ही हमें आनंद प्राप्त होता है। प्रभु भक्तवत्सल परमेश्वर मेरे अहंकार का भी भोजन करे। प्रायः हम अहंकार में उलझे व्यक्ति का शीघ्र उपचार नहीं करते, उसे भटकने देते।
शिखर पर पहुंचा उसका अहंकार स्वयं उसके सर्वनाश का कारण बन जाता, और तब हमारा प्रचंड क्रोध उस शिखर पर पहुंचे अहंकारी का भोग लगता। किंतु 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 क्या भोलेनाथ? तुम हमारे प्रिय और परम भक्त हो ना, तुम अहंकार के भ्रम में उलझो यह हम कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। सर्वेश्वर, आपने इस दीन ही नारद की लाज रख ली। मैं इसी क्षण अपने दोनों स्वार्थी मित्रों का परित्याग कर। नहीं नारद, इनकी विश्वसनीयता पर संदेह न करो। किंतु प्रभु, इन दोनों ने ही तो। जानता हूं, किंतु इसमें दोष इनका नहीं तुम्हारा है। मेरा? हाँ नारद, तुम्हारा। यदि तुम अपने मित्रों को पीड़ा पहुंचाओगे तो उनके हृदय में उठने वाली व्यथा का लाभ अहंकार उठाएगा ही। भोलेनाथ, मैंने ये पीड़ा पहुंचाई? तनिक विचार करके बताओ ना कि तुमने इन पर कब से कोई मधुर राग नहीं छेड़ा है। इन्हें तुम्हारे संग की अत्यधिक आवश्यकता है। मैं क्या करूं भोलेनाथ, जगत कल्याण के दायित्व से मेरे पास एक क्षण भी शेष नहीं बचता है। इसका भी उपचार हमारे पास है। सुनिए वीणा देवी। जी भोलेनाथ। और खड़ताल जी आप? जी भोलेनाथ। आने वाले त्रेता युग में जब 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे तो उनकी संगीत विद्या के गुरु नारद नियुक्त किए जाएंगे। हनुमान शिक्षा के मध्य नारद आप दोनों का भरपूर प्रयोग करके आप दोनों को तृप्त कर देंगे। जय भोलेनाथ, जय शिवशंकर। भोलेनाथ, भोलेनाथ, आपने मेरे अहंकार का भोजन कर और मेरे मित्रों का संग स्थायी करवा कर मुझ पे बहुत बड़ी कृपा की है। नारद, तुम सदैव हमें संसार भर के संदेश सुनाने के लिए आतुर रहते, समाचारों को रोचक बनाने के लिए नए नए नाटकों की रचना भी करते हो। तुम्हारा अभिनय हमें प्रिय है भक्त, वैसे ही बने रहो। ऐसा ही होगा भोलेनाथ, ऐसा ही होगा। नारद, तुम्हें हमारा एक कार्य संपन्न करना है। आज्ञा करे भोलेनाथ। किंतु उससे पहले एक नए समाचार का ज्ञान हम तुम्हें करवा दें। समाचार? जिसको जानने का उद्वेलन विगत बहुत समय से तुम्हें व्यग्र कर रहा है। तुम यही जानने के इच्छुक हो कि यह दुर्गम किस सीमा तक पहुंचेगा? हाँ भोलेनाथ। तो सुनो ना, यह दुर्गम वहां तक पहुंचेगा जहां आज तक कोई दैत्य नहीं पहुंचा। अभी इतना ही समझ, इसके आगे की कथा जानने के लिए नया नाटक न करना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ, अब आप अपने इस अनुचर को कार्य की आज्ञा दें। दुर्गम के पृथ्वी लोक पर प्रकट होने की सूचना अपनी शैली में देवी पार्वती तक पहुंचा दें, और ये भी बता दें कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा गणेश इनमें से कोई भी दुर्गम का वध नहीं कर पाएगा। ओम नमः शिवाय। नारायण।